दोस्तों, ये बात तो आपने जानती हो कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहचान पहले पूरे विश्व में केवल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वजह से होती थी। और भाई, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों ने भाई एक माया जाल भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ इस तरह से बुन रखा था कि भैया इस माया जाल के सामने भाई इंडिया की बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज जो थी वो कभी भी उभर कर नहीं आ पाती थी। यानी कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों ने ये मायाजाल पहले से ही बुन कर रखा था भैया इंडियन ऑडियंस के सामने कि भाई हमारे अलावे हमारी इंडिया में जितनी बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्रीज जो हैं वो भैया रीजनल इंडस्ट्रीज हैं। तो भाई इस मायाजाल से निकलने की कोशिश भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी दिनों से कर रही थी। और भाई फाइनली उन्होंने जिस तरीके से बॉलीवुड के इस माया जाल को तोड़ कर दिखाया है, अब भैया उसके बाद से ही बॉलीवुड की पहचान जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है पूरे विश्व में। और भाई जिस इंडस्ट्रीज को भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर रीजनल इंडस्ट्रीज बताते हुए नहीं थकते थे, वो बॉलीवुड से हर मामले में आगे निकलते जा रहे हैं। मेरे भाई, अभी मैं आपको इंडिया की एक ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आप सुनकर ये बात कहोगे कि भैया इस इंडस्ट्री के सामने तो बॉलीवुड इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। मेरे भाई, इस फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा भैया कई सारी बेहतरीन फिल्में अभी तक हम लोगों के सामने आई है। भैया वो फिल्में कौन सी थी? तो चार्ली, ट्रिपल सेवन, KGF का चैप्टर 1, KGF का चैप्टर 2, कांतारा, और उसके बाद अब तोबी भी आने वाली है सिनेमाघरों में। लेकिन अभी तोबी को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आई है कि भाई ये फिल्म क्या हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी कि नहीं। लेकिन भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी अंदर खाने से निकल के आ रही है कि भाई ये फिल्म भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, आने वाले दिनों में ये खबर हम लोगों के सामने आ जाएगी। तो भाई कैसे कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्मों ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को कड़ा मुकाबला देते हुए बॉलीवुड की साख को भाई छोटा कर दिया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों, ये बात आप लोग जानते हो कि भैया कन्नड़ा लैंग्वेज जो है वो हमारे देश के किस राज्य में बोला जाता है? मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा। तो भाई अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, भैया वो राज्य है कर्नाटका। और भाई कर्नाटका की जनसंख्या कितनी है? तो भाई वो आंकड़ा है 6,78,00,000। यानी कि भैया 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अभी कर्नाटका की जो जनसंख्या है वो है 6,78,00,000। और भाई क्या 6,78,00,000 में सारे के सारे लोग वहाँ पर कन्नड़ा लैंग्वेज बोलते हैं? तो भाई इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यानी कि भैया कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है 68.5%। उसके बाद कर्नाटका में उर्दू बोलने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो है 10.5%। तेलुगु बोलने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो आंकड़ा है 6.2%। तमिल बोलने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो आंकड़ा है 3.2%। तुलु बोलने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो आंकड़ा है 2.1%। हिंदी बोलने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो आंकड़ा है 2.6%। कोंकणी बोलने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो आंकड़ा है 1%। बैरी बोलने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो आंकड़ा है 1.3%। और भैया अदर्स जो है वहाँ पर वो 4% है। यानी कि भैया पूरे कर्नाटका में भैया रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भैया कन्नड़ा लैंग्वेज ही नहीं बोलते हैं। यानी कि भाई इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री ने जो फिल्में हम लोगों के सामने बना कर रखी हैं और उन फिल्मों के माध्यम से उन्होंने जो बिजनेस कर दिखाया है पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद तो भैया हम सैल्यूट करना चाहेंगे संदलवुड को, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को। मेरे भाई, यानी कि भाई मैं आपके सामने कुछ फिल्मों के उदाहरण रखने वाला हूं जिसको सुनकर आप ये बात कहोगे कि भैया कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्मों को लेकर भैया वहां की जनता में कितना उत्साह रहता है, वो अपनी फिल्मों को कितना सपोर्ट करते हैं सिनेमा घरों में जाकर देखकर। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब KGF का चैप्टर 1 हम लोगों के सामने आई थी तो भाई उस फिल्म को लेकर ये माहौल तो हम लोगों ने बना दिया था कि भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में आकर
तबाह तोड़ बिजनेस करेगी। लेकिन आपको पता है भैया ये फिल्म कितने करोड़ के बजट पर बनी थी? तो भाई वो आंकड़ा है 80 करोड़, यानी कि भैया अपने पॉपुलेशन से 13 टाइम ज़्यादा के बजट पर ये फिल्म बनी थी। और भैया इस फिल्म को केवल कर्नाटका से कितने का बिजनेस मिला था? तो भाई वो आंकड़ा था 135 करोड़ का। और उसके बाद भैया इस फिल्म ने पूरे इंडिया से जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 250 करोड़ का, यानी कि भैया अपने बजट से इस फिल्म ने 22.5 टाइम ज़्यादा बिजनेस कर दिखाया था अपने पॉपुलेशन से, यानी कि भैया जितनी पॉपुलेशन कर्नाटका की थी उससे 22 गुना ज़्यादा का बिजनेस इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिला था। उसके बाद जब KGF का चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ था तो भाई इस फिल्म का कितना बजट था? तो भाई वो आंकड़ा था 100 करोड़ का, यानी कि भैया अपने पॉपुलेशन से 16 टाइम ज़्यादा भैया इस फिल्म का बजट था। और इस फिल्म ने बिजनेस कितने का किया कर्नाटका से? तो भाई 30 टाइम ज़्यादा, यानी भैया 30 गुना ज़्यादा का बिजनेस करके दिखाया। और उसके बाद भैया इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 1000 करोड़ से ज़्यादा का। देन उसके बाद भैया संदलवुड के द्वारा एक ऐसी फिल्म हम लोगों के सामने आई जिसके बारे में भैया कल्पना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों ने कभी की ही नहीं थी कि भाई 16 करोड़ के बजट पर बनने वाली फिल्म, यानी कि भैया अपने पॉपुलेशन से 2.6 गुना ज़्यादा के बजट पर बनी ये फिल्म भैया 30 गुना ज़्यादा का बिजनेस करके दिखा देगी अपने पॉपुलेशन से। भाई इसकी कल्पना कभी भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों ने की ही नहीं थी मेरे भाई, यानी कि भैया इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में जो बिजनेस मिला था बॉक्स ऑफिस से वो आंकड़ा था 183 करोड़ 60 लाख रुपीज़ का, यानी कि भैया KGF के चैप्टर 2 से भी ज़्यादा बिजनेस इस फिल्म को अकेले कन्नड़ा लैंग्वेज में ही मिला था। तो भाई इस फिल्म ने भैया वो लैंडमार्क बना दिया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिसको देखने के बाद इंडियन ऑडियंस कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को लेकर यह बात कहने लगी कि भाई इस इंडस्ट्री के द्वारा अब जो भी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज की जाएंगी उसको हम जरूर देखने जाएंगे भैया सिनेमा घरों में, यानी कि भाई इस फिल्म ने भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी में वो आखिरी कील ठोक दी थी जिसकी चर्चा आज भी होती है बॉक्स ऑफिस पर। अब भाई हम बात करते हैं अपने बॉलीवुड की, तो भैया बॉलीवुड की एक फिल्म इस साल सिनेमाघरों में आकर जबरदस्त बिजनेस की थी जिसकी चर्चा आज भी बॉक्स ऑफिस की गलियारों में होती है, यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूँ पठान की, जो कि भैया विशुद्ध रूप से हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई फिल्म थी। इस फिल्म का और दो लैंग्वेज आया था, यानी कि भैया तेलुगु और तमिल, भैया उन दोनों लैंग्वेजों में इस फिल्म को उतना शानदार कलेक्शन नहीं मिला था, इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन मिला था। तो क्या ये कलेक्शन इतना ज़बरदस्त था जिसको देखने के बाद हम ये बात कहें कि भाई कांतारा, जो कि भैया कन्नड़ा लैंग्वेज में बनाई गई फिल्म थी, जो कि भैया अपने पॉपुलेशन से 30 गुना ज़्यादा का बिजनेस कर दिखाई थी बॉक्स ऑफिस पर, तो क्या पठान भी ये कारनामा हिंदी लैंग्वेज में कर पाई थी? तो भाई इसका जवाब अब आप सुनिए। तो भैया पठान का टोटल बजट कितना था? तो वो आंकड़ा था 225 करोड़। और भैया हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की जनसंख्या हमारे देश में कितनी है? तो भाई वो आंकड़ा है, जो कि भैया विशुद्ध रूप से हिंदी ही बोलते हैं, तो भैया वो आंकड़ा है 52 करोड़ 80 लाख, यानी कि भाई अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो भैया पठान का जो बजट था वो अपने पॉपुलेशन से 4 गुना ज़्यादा था। और भाई इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन मिला? तो भाई वो आंकड़ा था 524 करोड़ 53 लाख रुपीज़ का। अपने पॉपुलेशन से इस फिल्म ने केवल 2 गुने ज़्यादा का बिजनेस किया था मेरे भाई, यानी कि भैया ये फिल्म बनी थी 225 करोड़ के बजट पर और ये फिल्म 524 करोड़ का बिजनेस अगर करती है भाई 52 करोड़ 80 लाख जनसंख्या होने के बावजूद भी, तो भाई हम तो यही कहेंगे ना कि भैया हिंदी फिल्मों की पकड़ अब अपने ही ऑडियंस के बीच में नहीं है। और भाई ये ऑडियंस जो है वो आज साउथ के मेकरों के साथ जा जुड़ी है। तो भैया ऐसा क्यों हुआ है? तो भाई इसका कारण ये है कि भाई आज साउथ की फिल्मों ने अपने बेहतरीन कंटेंट, अपने बेहतरीन मेकिंग, अपने बेहतरीन प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंडियन ऑडियंस को ये बात
समझाने की कोशिश की है कि भाई आप लोग हमें आज तक रीजनल इंडस्ट्री समझते रहे हो, तो भाई ये बात आपके दिमाग में डाला किसने है? तो भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों ने, जो कि हमारी ही फिल्मों का रीमेक करके आपके सामने प्रेजेंट करते आए हैं। हमारी कई सारी फिल्मों का रीमेक आप हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से सिनेमा घरों में जाकर देखते हो, तो भाई आप हमारी फिल्मों को डब लैंग्वेज के माध्यम से क्यों नहीं देखते हो? तो भाई उनकी इस अपील को इंडियन ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, जिसके बाद से साउथ की फिल्मों का मार्केट पूरी तरह से छा चुका है भैया हिंदी बेल्ट में भी। और भाई कल कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली एक और शानदार फिल्म का ट्रेलर जब हम लोगों के सामने आया, तो उसको देखने के बाद भैया हिंदी ऑडियंस के बीच में इस फिल्म को लेकर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि भाई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर आकर तबाह तोड़ बिजनेस करेगी जिसका नाम है तोबी। और दोस्तों तोबी को भी लेकर मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि भैया इस फिल्म का भी बजट उतना ही है जितना कि कांतारा का था मेरे भाई। यानी कि भैया ये फिल्म भी 16 करोड़ के बजट पर ही बनी हुई फिल्म है। यानी कि भैया इस फिल्म के मेकिंग में 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इस फिल्म के पीआर के लिए इस फिल्म के मेकरों ने 8 करोड़ खर्च किए हैं मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म के मेकिंग को देखने के बाद, इस फिल्म की ट्रेलर को देखने के बाद ये बात कल से ही साफ हो गई है कि भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली ये फिल्म भी पब्लिक का दिल जीतेगी और भाई हर माध्यम से ये फिल्म भैया सुपर से ऊपर साबित होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। चाहे वो तमिल लैंग्वेज वाला माध्यम हो, चाहे वो तेलुगु लैंग्वेज वाला माध्यम हो, चाहे वो मलयालम लैंग्वेज वाला माध्यम हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज वाला माध्यम हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।